नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी आईएएस बनी लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका दिलो दिमाग हिल जाएगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। जी हाँ, यूपी के जालौन में यही कोई तकरीबन रात हो रही थी और ये रात अपने साथ कड़ाके की ठंड लेकर आई थी। नव्या, जी हाँ नव्या शर्मा, जिसकी ख्वाहिश से आईएएस बनने की थी, अपने दिन भर की पढ़ाई पूरी करके रात के खाने के इंतजाम में रसोई घर में पहुंचती हैं। जितने उसकी नज़र अनाज के डिब्बों पर पड़ती हैं, जिसमें अनाज का एक भी दाना नहीं था, तभी अचानक दरवाजे पर खटखट की आवाज़ सुनाई देती है और नव्या दरवाजा खोलती है और वह देखती हैं कि उसके पिता आंखों में आंसू लिए घर में घुसते हैं। पिता की आंखों में आंसू देखकर नव्या घबरा जाती हैं और पूछती हैं कि क्या हुआ पापा। दरअसल नव्या के पापा पैसे से रिक्शा चलाते थे, जो आज दिन भर की कमाई करके अपने रिक्शा के साथ घर लौट ही रहे थे कि उनकी नज़र एक बुक स्टॉल पर पड़ी, जिसमें एक खिताब पर बड़े अक्षरों वाले शीर्षक में लिखा था, ऐसे बने आईएएस। जैसे ही नव्या के पिता की नज़र उस किताब पर पड़ी, उन्होंने झट से रिक्शा रोककर उस बुक स्टॉल वाले से उस किताब के मूल्य के बारे में पूछा। लेकिन बुक स्टॉल वाले ने नव्या के पिता को एक रिक्शा चालक की हैसियत से देखकर हंसकर कहा, क्या करोगे इसका, ये तुम्हारे काम की नहीं है चाचा। नव्या के पिता 50 रुपये देकर उस किताब को खरीद लेते हैं। दरअसल आज दिन भर की कमाई 350 रुपये हो गई थी, जो हमेशा की कमाई से कुछ ज़्यादा थी। खुशी खुशी उस किताब को रिक्शा के सीट के नीचे रखकर आगे बढ़ ही रहे थे कि वहां खड़े तीन लड़के, जो बड़ी देर से नव्या के पिता को नोटिस कर रहे थे, जो आकर रिक्शा में बैठ जाते हैं और उन्हें मुख्य डाकघर की ओर चलने को कहते हैं। लेकिन नव्या के पिता को घर जाने में देर हो रही थी और रात भी हो गई थी, इसीलिए उन्होंने चलने से मना कर दिया। वे तीनों लड़के जोर देकर उन्हें ले जाते हैं और रास्ते में उससे उस किताब के बारे में पूछते हैं कि तू क्या करेगा इस किताब का, तू तो बहुत अमीर है, चल रिक्शा रोक। नव्या के पिता कहते हैं, आप यहीं पर रुक जाइए और यहीं से चले जाओ, मुझे घर जाना है। लेकिन उन तीनों का इरादा नेक नहीं था, उन्होंने नव्या के पिता के पास बचे 700 रुपये और मोबाइल छीन लिया और आपस में मजाक मस्ती करते हुए एक ने सीट के नीचे रखी किताब को बाहर निकाल कर तीनों भागों में फाड़ दी और एक टुकड़ा नव्या के पिता को देते हुए बोले, लो चाचा आप भी आईएएस बन जाना, और उन्हें लूट कर भाग जाते हैं। और अब ये बात नव्या सुनती है तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तब वो अपने पिता से लिपट कर खूब रोई। एक और घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था और दूसरी ओर इतनी बड़ी विपदा आ गई थी। लेकिन अब नव्या ने ठान लिया था कि जिन लोगों ने पिता को मारा पीटा है और उन लोगों से वो बदला जरूर लेगी। लेकिन जब वो फटी हुई किताब पापा के हाथ में देखती है तो उससे रहा नहीं जाता और पापा से कहती है, इसकी हम कंप्लेंट पुलिस में करवाते हैं। लेकिन उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पुलिस स्टेशन जा सके, परंतु नव्या थी तो एक आईएएस की तैयारी करने वाली लड़की, वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर ऐसे अपराधों की पुलिस कंप्लेंट नहीं की गई तो अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और वह इन दिन अपनी पॉलिटी में अपने मूल अधिकारों के बारे में ही पढ़ रही थी। अब वह समझ सकती थी कि अपने अधिकार क्या हैं और वह झट से अपने पिता को लेकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जाती है और FIR दर्ज करवाती है। लेकिन उसने जो अधिकार किताबों में पढ़े थे, जमीन पर वह धूमिल नजर आ रहे थे। पुलिस स्टेशन पर कोई भी कंप्लेंट नहीं लिख रहा था और ऊपर से कह भी रहे थे कि ये सब रिक्शा वाले और टोल वाले खुद अपना मोबाइल बेचकर अपनी झूठी कंप्लेंट लिखवाने आते हैं। लेकिन आईएएस की तैयारी करने वाली नव्या ने झट से अपने मोबाइल से पुलिस के सामने ही वीडियो रिकॉर्ड करना चालू कर दिया और कहने लगी कि आप थाने के दारोगा हैं और ऐसे में अगर कोई आपके पास कंप्लेंट लेकर आता है तो आप FIR क्यों नहीं दर्ज करते।
इतना सुनते ही दारोगा का चेहरा लाल हो जाता है और छटपटाते हुए कहते हैं, आप अपना मोबाइल नीचे रखें। और झट से नव्या के पापा की एफआईआर दर्ज हो जाती है, परंतु दारोगा साहब नव्या को उसकी औकात बताने की धमकी उसे पहले ही दे चुके थे। बहरहाल नव्या ने लोकतंत्र के 5वें स्तंभ सोशल मीडिया का डर दिखाकर एफआईआर तो लिखवा दिया और घर चले गए। नव्या जैसे ही घर पहुंचती है, उसकी नजर पिता द्वारा लाई उस फटी किताब पर पड़ती है और उसकी आंखें फिर भराती हैं। अब तो नव्या ने ठान लिया था कि अब आईएएस तो बनना ही है, और अगली सुबह ही एक नए टाइम टेबल के साथ अपनी पढ़ाई पर लग जाती है। अब उसने प्रण कर लिया था कि अब दिन में कैसे भी कर 10 घंटे पढ़ना ही है। और किसी ने सही ही कहा है कि भूखा पेट के लिए कुछ भी कर सकता है। अब नव्या दिन की 10 घंटे की जगह 12-12 घंटे पढ़ती थी और इंटरनेट की मदद से करंट अफेयर्स और आंसर राइटिंग सीखती थी। वह दूसरी ओर नव्या के पिता की एफआईआर सरकारी कागजों में धूल के बैल चढ़ रही थी, यानी कि पुलिस भी अब मान चुकी थी कि जब जब जो होना है तब तब वो होगा ही। और समय बीतता है और यूपीएससी यानी कि आईएएस की प्रीलिम्स का दिन भी आ जाता है और नव्या प्रीलिम्स देती है और उसका प्रीलिम्स पास भी हो जाता है। अब बारी थी मेंस की। यूपीएससी की मेंस तभी अच्छी दे पाते हैं जब आप लिखने की प्रैक्टिस करते हैं और न्यूज़पेपर की मदद से करंट भी पढ़ते हैं। और नव्या ने तो ये सब इंटरनेट से पढ़ा ही था और टॉपर्स की कॉपी देखकर लिखने का खूब प्रयास भी किया था। और मेंस परीक्षा का दिन भी आ जाता है और नव्या मेंस में भी अपना पत्थर तोड़ मेहनत से निकाल देती हैं। और अब बारी थी इंटरव्यू की। अपनी कड़ी मेहनत के बलबूते पर एक रिक्शा चलाने वाले की बेटी इंटरव्यू तक पहुंचती है। नव्या इंटरव्यू के लिए निकल ही रही थी कि उसकी नज़र उस फटी किताब पर जाती है जिसके उस बदमाशों ने 3 टुकड़े कर एक नव्या के पिता को दिया था। नव्या की आंख फिर भराती है और इंटरव्यू भी खत्म हो जाता है। अब बारी रिजल्ट की थी। देर शाम यूपीएससी का रिजल्ट आ जाता है और नव्या ने आज अपने नाम के आगे आईएएस लगा ही दिया था। जी हाँ, आज नव्या को आईएएस वाली रैंक मिल चुकी थी। पिता को ये यकीन नहीं हो रहा था कि बेटी अब आईएएस नव्या बन चुकी है। नव्या रिजल्ट सुन दौड़ती दौड़ती घर में जाती है और उस फटी किताब को देखकर बेटी और पिता खूब रोते हैं, लेकिन आज ये आंसू खुशी के थे। और पिता झट से उस बुक स्टॉल पर जाते हैं और उस बुक स्टॉल वाले को मिठाई खिलाते हैं। आज उस स्टॉल वाले को भी यकीन हो गया था कि किताब को अगर कोई सही ढंग से उपयोग में ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। आज नव्या आईएएस नव्या बन गई हैं और जिस भी जिले में जाती हैं वहाँ की कानून व्यवस्था का कायापलट कर देती हैं। दोस्तों, इंसान अगर मन में ठान ले तो उसके लिए कोई भी काम, कोई भी परीक्षा कठिन या असंभव नहीं है। जिस तरह से नव्या ने एक कठिन परिश्रम के साथ और अपनी एक दृढ़ सोच के साथ यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके आईएएस नव्या बनी, उसी तरह दोस्तों हर इंसान अगर चाहे और सोचे कुछ बनने का तो वो भी अपने इरादों पर पक्का उतर कर कुछ बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही कहानी और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये स्टोरी अच्छी लगी हो, इंस्पिरेशन की स्टोरी लगी हो, तो आप इस स्टोरी को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ या यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ।